मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। भोपाल में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि 6 जुलाई को पौधारोपण का बड़ा कार्यक्रम है, 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, एक पेड़ माँ के नाम अभियान से सभी जुड़ेंगे। वही सोमवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर सीएम मोहन ने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात कहने के लिए विधानसभा श्रेष्ठ स्थान है, वह अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। सीएम ने कहा कि विपक्ष हमारी कमी को बताए, सरकार अपनी अच्छाई बताएगी, विपक्ष अपनी बात नहीं करेगा तो ऐसा लगेगा कि लोकतंत्र अधूरा है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पक्ष विपक्ष के लिए चर्चा करने के लिए विधानसभा सबसे श्रेष्ठ मंच होता है। सदन के अंदर वो अपनी बात कहेंगे, हम हमारी बात कहेंगे। अगर विपक्ष अपनी बात नहीं कहेगा तो ऐसा लगेगा लोकतंत्र अधूरा, इसलिए उनको उनका हक है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ लोकतंत्र में कि विपक्ष हमारी कमियाँ निकाले, हमको बताए, आगाह करे कि हाँ ये आपकी कमी है, त्रुटि है। सरकार अपनी अच्छाई बताएगी, हो सकता है उनकी कोई सकारात्मक कमी हो तो कंसिडर करेंगे, उससे और आगे अच्छा बन करके, क्योंकि सरकार 5 साल चलती है और इतने सारे विभागों में सारी बातों को लेकर चलने के लिए सरकार सब प्रकार से सन्नद्ध है, अपनी सारी अच्छी बातों को लेकर के। और जनता ने तो उसका प्रमाण दे ही दिया है, 29 की 29 लोकसभा जिस प्रकार से जनता ने जीती है, इसका मतलब जनता हमारे साथ है, भाजपा के साथ है, भाजपा की सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियों के साथ है। मेरी अपनी ओर से विधानसभा के सत्र के साथ साथ आने वाले समय में हम लगभग 5.5 करोड़ पौधों का पौधारोपण का बड़ा अभियान लगा के चलने वाले हैं, जिसमें कई कई नगरों ने, कोई ने 11 लाख, कोई ने 12 लाख, एक एक दिन में लगाने का संकल्प किया। भोपाल में 6 तारीख को 12 लाख पेड़ लगेंगे, 7 तारीख से 14 तारीख तक इंदौर 51 लाख पेड़ लगाने वाले हैं, लगभग 5.5 करोड़ पौधे लगने वाले हैं। माननीय मोदी जी ने एक अभियान चालू किया, हम भी उसका हिस्सेदार बन रहे हैं। एक पेड़ अपनी माँ के नाम, एक पौधा अपनी माँ के नाम, इस अभियान में आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वालों को आह्वान करता हूँ कि वो सब पर्यावरण की इस गंभीरता को समझते हुए अपने माँ से संबंध भी जोड़े और पर्यावरण के प्रति अपना योगदान दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।